आफ्ताब, आप समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब लिए? जी, हम समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट वन ईयर, एक साल हो गया। ये आपका दूसरा साल चल रहा है? यस सर। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट? सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के। थर्ड सेमेस्टर के। तो एक चीज़ बताइए कि आप बिहार से आए हैं? जी, बिहार से। तो बिहार में आपने ट्वेल्थ जो किया था जी, वो इंग्लिश मीडियम में था या हिंदी में था? सर, मैंने 12 इंग्लिश मीडियम में किया था। हाँ। बट मैं कोटा शिफ्ट हो गया था। अच्छा। फॉर नीट एग्ज़ाम के लिए। नीट के लिए। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि ज़्यादातर लोग जो बिहार यूपी से आते हैं, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है। तो जब अब एडमिशन आपने लिया है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सारे चीज़ इंग्लिश में हैं और जो इनके वर्ड होते हैं, मेडिकल के टर्म्स होते हैं, वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप जो बच्चे उस एरिया से आते हैं कि क्या करना चाहिए उनको आने? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जब हम भी कहीं भी फॉरेन में अगर रहेंगे तो इंग्लिश मस्ट होती है। अगर वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश मस्ट होती है। लेकिन एज अ समरकंद, यहाँ पे हमको इंडिया के टीचर, पाकिस्तान के टीचर, अच्छे अच्छे फैकल्टी टीचर यहाँ पे आते हैं और हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो ना यूज़बेकी ना रशियन वर्ड में हम लोग को पढ़ाते हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो भी चाहे बिहार से आते हो या फिर इंडिया के कई किसी भी स्टेट से आते हैं, तो उसको कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। और बात आपने अच्छी बात बताई हमको कि बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी सब वो टफ होते हैं। बात यह है कि जब एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग बार बार उनको बार बार रिपीट करते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी फिर आसान हो जाती है। तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फर्स्ट ईयर जब आप आए होंगे तो आप तो यहाँ के हॉस्टल में ही रहे होंगे? फर्स्ट ईयर हॉस्टल में। फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में थे? जी जी। अब सेकेंड ईयर से जनरली मैं देखता हूँ 90% लोग हैं कि वो शिफ्ट कर जाते हैं फ्लैट में, तो इसके क्या कारण है? देखिए, हो सकता है मे बी फूड की वजह से, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं तो यहाँ का फूड हो सकता है कि कुछ मिसमैच कर रहा हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली के हमने उतना आयली फूड लाइक नहीं करते हैं। जैसे चावल हो गए तो चावल थोड़ा पसंद करते हैं, रोटी वो इस सब में पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने फ्लैट से। नहीं, मैं जनरली इस बात को आपसे इसलिए पूछा कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सब ने यही कहा कि हॉस्टल से शिफ्ट करने का सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है कि खाने की वजह से, क्योंकि हम 6 साल तक सेम टाइप का पैटर्न फूड खाने को हो नहीं सकता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि खाना एक रीज़न है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में तो आराम से रह सकते हैं। भी आपको कहा कि खाने की वजह से ही होता क्या है कि अपने 3-4 जब दोस्त होते हैं तो मिलकर बना लेते हैं, जो मन में आए खा लेते हैं, तो एक मेन मुद्दा वो रहता है। दूसरी बात ये बताइए, सेफ्टी कितना है बाहर में जब आप लोग बाहर निकलते हैं घूमने, कोई डर भय या कोई प्रॉब्लम? देखिए, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको 10 बजे रात के बाद आपको बाहर आना अलाउ नहीं है। अगर आप आते हैं तो पुलिस आपको कभी भी किसी टाइम भी पकड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यूज़बेकिस्तान इज सेफेस्ट। प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसे जब आप लोगों के पास वीज़ा होता है, सारे पेपर होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि दिन में आप लोग कहीं जा रहे हैं, कभी चेक हुआ है, कभी पूछे हैं कि आप कौन हैं क्या है? नहीं, अगर हम जा रहे हैं तो हमारे बॉडी लैंग्वेज से ही उन्हें पता चल जाता है कि ये बाहर के फॉरेन के, ये फॉरेन के हैं और इनके ये इतनी फ्री में इसलिए जा रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक दो दोस्त को कभी कभी पकड़ा गया है तो उन्होंने इंस्टेंट दिखा दिया, चाहे फ़ोन में दिखा दो या फिर किसी चीज़ में। तो हाँ, तो जब भी आप जाते हैं तो जो आपका वीज़ा है, जो भी पेपर है, आपके फ़ोन में डिजिटल में रहे तो इजी हो सकता है। जी जी, इजी। कभी कभी रोकते जरूर हैं तो वो दिखा दिया तो कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये तो रहा कि लड़कों की बात, यही चीज़ पूछूँ, सेफ्टी रीज़न में लड़कियों के लिए कितना सेफ है? लड़की के लिए भी उतना ही है जितना लड़की के, कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमेशा आप हॉस्टल में रहें या फिर आप आउटसाइड हॉस्टल रहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको आना जाना में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं, आराम से पढ़ सकते आराम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने से। सही।